Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my dusri vlog channel ki link hogi description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Gaurav Kapoor stand-up comedy Chaman Chatora. Okay, let's go. Let's get har baat ki tarah ummeed hai video देखो दोस्तों, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और मैं देखता हूँ ना, आजकल के नए जमाने के बाथरूम्स तो मेरा दिल रोता है. हाँ, क्योंकि आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है. सच में आप सब लोग मुझे घूर करके ऐसे मत देखो मिलके कि भैया कहाँ रह रहे तुम. है साबुन, है सर साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना, भट्टा. वो याद है सॉलिड लाइफ बॉय? रिमेंबर लाइफ बॉय? सर पे मारो सर ही फट जाए. रिमेंबर लाइफ बॉय जो भैया के नाले में गया रोको उसे. और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल. स्लिप हो जाए. मुझे पता है हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको समझ आता है दैट पर्सन हैज ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. आई अंडरस्टूड बट आई हैवंट डन इट एवर. ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ क्योंकि उसने हाथ में थैली पहन के नाले के पास सर लगा के नीचे लेट के हाथ डाल के मम्मी नहीं निकल रहा. आपने मुंह धोने का फेस वॉश सर अलग, छाती अलग, ढूंगी अलग धो लो. मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया, ये अंडरआर्म्स गोरे कर लो. हाँ भाई ये आ गया, ये गोरे कर लो. ये किसका शौक है गोरे करने का है? किस दिन आपने सोचा आज मैं ये गोरे करके जाऊंगा? ये कौन गोरे कर रहा है? ये कौन सा बंदा है जिसको मीटिंग में जाकर के और भाई साहब बढ़िया डील हो जाए? आज आज ऐसे ही बगल से बगल लड़ाएंगे तभी मजा. इसके बाद ही चेक काटूंगा. आज इधर लड़ाओ. ये कौन कर रहा है? ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया इस वाले में? थोड़ा टी शर्ट ऊपर जाते नजारे आ जाते. आ गए. सॉरी मैम, सॉरी. अब तो आपको देखना ही पड़ा, अब तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी. और मेरी ना हल्की तोंद आ गई है, पता है? हल्की तोंद आ गई है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आई है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं आई है, पर इतनी आई है कि मतलब मेरी जितनी भी चढ़ी है ना, उनके स्ट्रैप बीच में से बुड़ चुके हैं. रिलेटेबल कॉन्टेंट. रिलेटेबल मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जॉकी लिखा, सारे जॉकी के हालात ये और रखे होता नहीं, जॉकी के बीच में एकदम ऐसे नहीं लगता काट दिया किसी ने, चड्डी पूरी मुड़ी रहती है. नहीं, हर बार बाथरूम में जाओ नई चीज़ कैसे आ जाती है यार. एक वो आ गया बाथरूम में, आप लोगों ने देखा है बम क्रीम? यू गाइस नो बम क्रीम? कितने लोगों को नहीं पता? काफी को नहीं पता होगा. अमेजिंग नाम से तो समझ आ ही रहा होगा ना, अगर बम क्रीम है तो मुंह पे लगाने की तो नहीं है. जहां तक मेरा ख्याल है ना, किस दिन एवोल्यूशन में इंसान ने ये बात सोची थी कि हमारे चूतड़ों को भी क्रीम की जरूरत है? एक दिन मनुष्य बाथरूम में नंगा खड़ा हो हाथ में क्रीम लेके हमने पिछवाड़ा भी किया, इस चीज के लिए जन्म हुआ हमारा, ये करें हम. इस साइड नहीं दिखाई दिया, ये देखो ये हो रहा है. किसने सोचा खुद को लगे वुगली वुगली वुश? अलग होता है भाई, सबकी ऐस अलग है ना, सबकी किसी की नॉर्मल है, किसी की हेरी ऐस है भाई, भंवर अलग बन रहा है. हर बार बाथरूम में नई चीज, मेरा क्वेश्चन है हर बार नई चीज कैसे आ सकती है? एक वो आगे देखा आप लोगों ने बाथरूम में लूफा. यू गाइस नो व्हाट इज लूफा? किस किस को नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को, भाई को शाबाश शाबाश शाबाश. और ऐसी बात नहीं है आप चारों ने कभी लूफा देखा नहीं है. अब आपके घर में ही है इसलिए सुना है आपने. वो देखा है बाथरूम में टंगा होता है नल के पे झामा? वो नहीं होता फूल था, वो नहीं होता शरीर का, शरीर का स्कॉच ब्राइट देखा? देखा नहीं? अरे ये देखा, ये
You're on next level. This is also a magic Garrett show. With accent, he got it. भाई उसने पिछवाड़े से कबूतर निकाल दिया भाई. कबूतर था कि तोता था, हरे रंग का तोता लेके आया. ये पता 3 साल से मेरे घर पे, मुझे पता ही नहीं क्या है. कसम से मुझे नहीं पता, मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक है. बाथरूम में डेकोरेट कर रहे हैं. तुमने बाथरूम का नलका भी सजा दिया. नलके पर टंगा रहता ना, सही है. तो एक दिन मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, मतलब नजर तो रोज पड़ती थी, आज मेरे कॉन्शियस माइंड में आया कि है क्या चीज. साला मैंने देखा जाके रफ सा नेट वाला टेक्सचर होता है, नेट वाला. तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी पैर की एड़ी साफ करने के लिए, क्योंकि पहले में रहते पुराने वाले घरों में. सबको याद है अपने स्ट्रगल वाले घर, याद है सबको. रिमेंबर खुड़दुरी जमीन, रिमेंबर यहीं रगड़ो खत्म करो. यहाँ मंगल बाजार में वो आता था, वो नहीं पत्थर रगड़ लो यहाँ ले लो. अब सब लोगों ने टाइलें लगवा ली है. तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई पैर की एड़ी साफ करने के लिए. अगले दिन सर पहली बार मैंने लूफा से पैर की एड़ी साफ भी करी, और कसम से इतनी ज़्यादा सुंदर एड़ी साफ करी, मजा आ गया. मन करा एड़ी काट के मुंह पर लगा दो. इतनी ब्यूटीफुल एकदम क्रैक क्रीम वाली एड़ी हो गई, सुंदर एकदम. तो अब मैं लूफा से 3 महीने से पैर की एड़ी साफ कर रहा हूँ. 3 महीने से. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जोक. अब शुरू होगा. तो उस दिन भाई बाथरूम में सर वही रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा था और लूफा से एड़ी चमका रहा था. दुनिया जहान भूल के लगा पड़ा हूँ आज. आप भाई पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए, मेरे से क्या गलती हो गई. सर मैं ना दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई. भाई झटके से दरवाजा खोल के मेरी बीवी घुस गई. पहले तो मेरी फटी, इसका व्लॉग तो नहीं बना रही. इसका व्लॉग ना बन जाए यार. हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है. देखो दोस्तों जूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है. देखो जूम करके भी कम है. देखो दोस्तों यार उसके हाथ में कैमरा कुछ भी बोल सकते हैं यार. और सर एक तो इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया ना, मतलब मनुष्य को भी नंगा पकड़ा जाना नहीं चाहिए. सर नंगे होना लगे उसमें दोनों कंसेंट है, पकड़े जाना अकेला पकड़ा जाता है. दूसरों को तो झटका मिलता है क्या देख लिया यार. भाई भाई इतना गंद तो गंदे थे, वैसे जमीन में बैठा हूँ पूरी तोंद इकट्ठी हो रखी. नीचे बैठो पूरा आटा साथ होनी है. अरे कहाँ गया. एक होता नहीं पूरा पूरा एकदम ऐसे पूरी पूरा आटा ऐसे पूरा लग रहा गोंदू खुद ही गाली दे रहे. मोमो ज़्यादा खा गया, चापे ज़्यादा हो गई. तो भाई मेरी बीवी मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है ना जलती लाइटों में. मतलब कभी कभी तो देखा ही है, पर नॉर्मली इंडियन कपल्स एक दूसरे को देखते थोड़ा ना जलती लाइटों में. हमारे में है ही नहीं वो कल्चर देखने वाला. और देखे करे भी शरीर के हालात ऐसे कर रखे हैं, क्या करेंगे. आओ तोन से तोन टकराएं, आओ आओ पेट से खेलेंगे, आओ मिलो सीलो सालो. भाई वो मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल कह रही क्या है ये. और भाई जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मुझे ना स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही है, क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ. और भाई साहब जब इतना पानी भरता है तो लगा सिकुड़ जाता है. भाई साहब आपको पता है, कोई शर्माने की बात नहीं है. न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो मुझे लगा किसी और चीज़ के बारे में बोल रही है. तो जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव, मैंने क्या यही है और क्या है. तो कह रही तू ये लूफा से क्या कर रहा है. मैं कहा लूफा क्या होता है. कह रही ये जो तेरे हाथ में पड़ा है. मैं कहा ये तो झामा है. तो झामा है, इसे तो मैं रोज साफ कर रहा हूँ. तो भाई मैंने बताया सर मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ उसके साथ. मैंने नहीं बताया सर 3 महीने से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हर रोज लगी पड़ी मेरे पास आगे शावर जल डाल के लल्ला लल्ला. मैंने नहीं बताया सर मैं 3 महीने से एड़ी साफ कर रहा हूँ. और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था. एंड जस्ट टू लेट यू नो, जिसको नहीं पता दोस्तों, सर आपको नहीं पता उधर आपको नहीं पता, ये नेट वाला लूफ होता है नेट वाला, ठीक है. ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट किचन में भी होता लोहे का, वो लूफा नहीं है. उस पर शावर जल डाल के नहीं रगड़ना, नहीं तो पूरी जिंदगी एयरपोर्ट में मेटल डिटेक्टर बजेगा. पी 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 मेटल अंदर ही चला गया सर, अंदर ही रहता है. हर बार बात मेरा क्वेश्चन है कि हर बार बाथरूम में नई चीज़ कैसे आ जाती है. हर बार बाथरूम में नई चीज़ आ जाती है. एक वो देखा आप लोगों ने वी वॉश. यू गाइस नो व्हाट इज वी वॉश. किस किस को नहीं पता, हाथ उठाओ हाथ उठाओ. शाबाश मर्द शाबाश शाबाश. हाथ उठाओ भाई, शर्माने की बात नहीं. नहीं मैम बताना नहीं इसे, हाथ उठाओ भाई. यू आर दी ऑनेस्ट पर्सन आई एम टेलिंग. कम से कम 10 और बैठे हैं, बताओ किस किस को नहीं. बाकी सबको पता है,
सर जानी ना आंखों में देखे पकड़ूंगा पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इसकी मुंडी ऐसे वेरी जेंडरिक इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस ओके firstly we wash does not mean that we all wash together ठीक है कल कहीं चार दोस्तों को बुला लिया है चलो भाई टूटी खोलो सारे भाई हाथ धोएंगे आज वी वॉश इज बेसिकली फॉर वुमेन इट्स फॉर इंटीमेट हाइजीन इट्स फॉर वजाइनल हाइजीन समझ रहे लड़कियों को धोने का अलग आ रहा है और लड़कों को कुछ नहीं हम लोग जिंदगी भर साबुन रगड़ते रहेंगे क्या यही है क्या लाइफ बॉय तंदुरुस्ती की रक्षा और यार मैं पिछली बार चार डब्बे लेके नहाने बैठा होता यार मैं वो नहाते नहाते एक डब्बे में कंफ्यूज हो गया शायद मैंने उस डब्बे पे ध्यान नहीं दिया और यार मैंने गलती से वी वॉश से मुंह धो दिया यार मेरा मूड ही खराब हो गया यार मैं कहीं इज दिस द पनिशमेंट टू नेवर गो डाउन इन माई लाइफ मुझे पता आधी जनता को समझ ही नहीं आया नहीं चमका है ये दोनों लड़कों के तो चेहरे पे है क्या भैया क्या गो डाउन क्यों हंस रहे हैं ये लोग कुछ वेयर हाउस की बात हो रही है क्या लेकिन दोनों को समझ नहीं आया और पीछे अंधेरे में मैंने कपल देखा उधर कपल वो लड़की ने लड़के को बोला तुम्हें तो पता वेरी सैड अरे मेरे चमन चटोरे आजादी दो व्हाट इज चमन चटोरे लेकिन मतलब चाट पापड़ी की बातें होंगी क्या ये वाला तो बहुत ही गंदा है यार ये तो नहीं बोलना चाहिए किसी को चमन चटोरा एंड यू नो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस जोक दैट नाउ यू विल रिमेंबर मी चाट इन वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ नाउ आई विल बी देयर नाउ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ थ्रीसम और एकदम पता कहाँ पे जाके कहाँ पे एकदम पता कहाँ जाके याद आऊंगा जब एकदम माहौल में क्या मैं चमन चटोरा हाँ तू ही चमन चटोरा टू गुड आज दोनों स्टैंड अप देखे हमने और क्या देखे टू गुड आई रियली मिस द स्टैंड अप आई जेन्युइनली विश कि हमें हर रोज हर एक स्टैंड अप भी मिले करने को पूरा दिन की थकान लाइक मेंटली जस्ट गोज अवे फिजिकली चली जाती है बिकॉज मेंटली चली जाती है बट आई हैड नो आइडिया व्हाट चमन चटोरा मींस आई स्टिल डोंट नो इफ इज इट बिकॉज ऑफ बट हाउ ओके आई गॉट द जोक बट आई कुडंट गेट द नेम आई स्टिल सॉरी डोंट गेट द नेम बट ठीक है ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं समझ आती है यू कैन हेल्प मी आउट इन द कॉमेंट सेक्शन बट दिस वॉज टू मच फन आई एम थैंकफुल कि कोई कुछ चीज़ निकालने लायक नहीं है इसमें बिकॉज आई वुड लव के अगर कोई जोक्स है और सी देर इज अडल्ट जोक्स एंड देर इज चीप वल्गर जोक्स वेरी थिन लाइन बिटवीन इट काफ़ी टाइम कुछ ऐसा ट्रांसफर कर जाते हैं सो इन केस कोई मुझे पूछता है कि आप यहाँ पर रहने देते हो वहाँ पर नहीं रहने देते समटाइम्स आई हैव टू टेक इट आउट बिकॉज ऑफ द यूट्यूब की पॉलिसी समटाइम्स आई हैव टू डू इट बिकॉज इट जस्ट सीम्स लाइक दैट टू मी एंड इफ इट्स नॉट अडल्ट जोक्स आर फाइन आई एम एन अडल्ट माई सेल्फ I'm literally 29 at this point. So I understand a lot of things. काफी चीजें नहीं समझ में भी आती है तो आप समझा देते हो काफी चीज समझ आई है आप लोगों की वजह से इतना मुझे समझ नहीं आता इफ आई वॉजेंट हियर फॉर लाइक अ ईयर यू नो दैट यू नो इफ यू हैव बीन हियर फॉर अ ईयर यू नो हाउ नाइव एंड इनोसेंट आई वॉज अभी सेम नहीं बट आई लव्ड इट आई एंजॉयड इट एंड येस प्लीज लूफाज आर नॉट मेंट फॉर योर फीट But yes, you can use it. But also, loofahs bhi aate. Now the loofahs are much more like softer, but they still have bristles. Aage, yes, it's there because agar if I use something that rough, I think probably my skin ukhad jayegi because it's pretty sensitive. But why not use it? Have it. It's good. Scrubbing is good for you, your skin, yourself. And I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you. Main kuch aur ulta pulta bolu usse pehle.